हेलो दोस्तों, 13 दिसंबर 2001 की ये बात है। 5 टेररिस्ट पार्लियामेंट के अंदर घुस जाते हैं। उनकी मकसद सिर्फ ये था कि पार्लियामेंट के अंदर जितने भी लोग थे उन सभी को मार गिराना है। 11:40 AM पर एंट्री करते हैं पार्लियामेंट की मेन गेट पर। सभी के पास AK-47 राइफल्स बैकपैक में ग्रेनाइट मौजूद था। ये अटैक खत्म होने के बाद 9% इस अटैक में डेथ हो गए, उनके साथ 8 लोग इंजर्ड हुए। 13 दिसंबर 2001 जब पार्लियामेंट के अंदर हमला हुआ था, पार्लियामेंट में जैसे हर दिन चल रहा था वैसे 13 दिसंबर भी सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। दिन की तरह पार्लियामेंट में और अपने काम करके पार्लियामेंट से चले जाओ। किसी को यकीन भी नहीं था कि पार्लियामेंट में भी हमला हो सकती है। हर दिन की तरह पार्लियामेंट में भी 13 दिसंबर को लोग मौजूद थे। 11:40 पर 5 टेररिस्ट एंट्री करते हैं पार्लियामेंट के अंदर। जब भी किसी को पार्लियामेंट के अंदर कोई एंट्री करता है तो हाईली चेकिंग करके एंट्री करते, लेकिन टेररिस्ट को पहले से ही ये बात पता था कि एंट्री गेट में प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए वो प्रॉपर प्लानिंग के साथ एंट्री किए। धीरे धीरे जब सिक्योरिटी एक लोगों को चेकिंग करके अंदर भेज रहे थे, जब इनका बारी आता है तो ये पांचों कार के अंदर ही थे। और जिस कार पे ये पांचों टेररिस्ट बैठे थे उस कार में फेक आइडेंटिफाई का स्टिकर भी लगा था। लेकिन इन टेररिस्ट के लिए और भी आसान हो गया, क्योंकि उस टाइम पे वाइस प्रेसिडेंट की कार निकल रहा था। तब सारे स्क्वाड वाइस प्रेसिडेंट के पास आ जाते हैं, मतलब ये टाइम उस टेररिस्ट के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी था। फिर पार्लियामेंट की कॉम्प्लेक्स में एंट्री करते हैं। इन पांचों में से एक का नाम था जासिम मोहम्मद। इन पांचों में से इसका मास्टरमाइंड है पार्लियामेंट के यहाँ पर हमला करने का। ये कार जाके सीधा वाइस प्रेसिडेंट की कार से टकराती है। जैसे ये कार से कार टक्कर होती है तो पांचों टेररिस्ट कार के अंदर से बाहर आते हैं। उनके हाथों में AK-47 ग्रेनाइड लॉन्चर जैसे काफी सारे हथियार थे। धीरे धीरे पार्लियामेंट की ओर बढ़ते हैं और पार्लियामेंट की सारी सिक्योरिटी पुलिस को ये अलार्म दे दिया जाता है कि पार्लियामेंट के अंदर 5 टेररिस्ट घुस आए हैं। पार्लियामेंट के अंदर जितने भी लोग थे वो कैसे भी करके पार्लियामेंट से निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फिर भी पार्लियामेंट के अंदर 100 पीपल और 7 मिनिस्टर मौजूद थे। इस हमले में 9 लोगों की तो जान चला गया और 80 लोग तो इस अटैक में इंजर्ड हो गए।